उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान मचे भगदड़ के खलनायक और 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार माने जा रहे नारायण साकार हरि ने एक चिट्ठी जारी कर बयान दिया है। अंग्रेजी में जारी एक बयान में बाबा की ओर से कहा गया है कि हम मृतकों के परिवारों प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से घायलों की शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बयान में बाबा ने यह भी कहा है कि वहीं भोले बाबा ने बीते दिन मंगलवार को हुई भगदड़ का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया है। हमारी ओर से डॉक्टर एपी सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत किया गया है ताकि समागम यानी सत्संग के बाद कुछ विरोधी सामाजिक तत्वों द्वारा भगदड़ मचाने के संदर्भ में उचित कार्रवाई की जा सके। वहीं इन सब के बीच एक और चीज पता चली है कि बाबा के सुरक्षा कर्मियों का कोडवर्ड था, मतलब बाबा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को नाम का कोडवर्ड दिया गया था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार नारायणी सेवा के नाम से जाने जाते थे। वहीं ब्लैक कमांडो जो काफिले के साथ चलते थे उन्हें गरुण योद्धा कहा जाता था। सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले को हरिवाहक नाम दिया गया था। ब्लैक कमांडो की बात करें, ब्लैक कमांडो यानी गरुण योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते थे। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना 50-50 की टुकड़ी में होते थे। हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते थे। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ा अपडेट है कि हाथरस कांड होने के बाद आश्रम का भोले बाबा फरार है और जहां भी वो हैं वहां से उन्होंने चिट्ठी वायरल की है। उस चिट्ठी में साफ साफ शोक व्यक्त किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।